यू नो वैन पेरेंट्स फाइट बच्चे का सबसे बड़ा फ्ययर यही होता है कि वो अलग हो जाएंगे फिर मेरा क्या होगा तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है फाइट एंड फ्लाइट में आ जाता है या फ्रीज हो जाता है लेकिन वो हम समझ ही नहीं पाते सो आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो इशूज हैं आप उन्हें कम्युनिकेट करके सॉल्व करिए इन स्टेड ऑफ फाइटिंग आपने हमारे इंडियन कल्चर में ये देखा होगा पति पत्नी साथ नहीं चलते पति हमेशा आगे चलता That's a very strong identification of a narcissistic personality. Shadi, three factors sit up Number three is sex, number two is finances, and number one is communication.

वेस्ट कर रही थी अपना टाइम बिकॉज हर एक्टर की जिंदगी में ऐसा एक वक्त आता है और आपका एक प्रोजेक्ट खत्म होता है और उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट का वेट करते हो तो कभी कभार वो जेस्टेशन टाइम बिटवीन वन प्रोजेक्ट एंड अदर प्रोजेक्ट वो बहुत लंबा खिंच जाता है तो जब मेरे ऐसे छः आठ महीने निकल गए और मुझे अपने तरीका का, का काम नहीं मिल रहा था तो ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करना एंड आई वॉज ऑल्सो डाउनवर्ड स्पायरल बिकॉज लाइक क्यों नहीं मिल रहा है यार काम अच्छा काम किया बारह साल से इंडस्ट्री में हूँ वाई एम आई नॉट गेटिंग द वर्क देट आई डिजर्व Right. And at that point of time, my husband said, it seems that you need help. मैंने कहा, right now I can't afford therapy. He was like तू ऐसा कर तू workshop कर ले। okay. There's a very nice workshop happening. So do that. So that workshop was called fundamentals of regression therapy. Okay. और उसमें आपको basically mind body and soul के बारे में समझाते हैं। That workshop was being conducted by my therapist जो मैं जिनके पास मैं पहले जाती थी। जी। And वो पांच दिन के बाद मुझे लगा कि ये तो life changing है यार ये तो explore करना चाहिए। एंड फिर एक के बाद एक के बाद ऐसे जरिए बनते गए वेर आई एंड ऑफ स्टडिंग हाफ इज एंड एंड आई एम प्रैक्टिसिंग सो आई एम वेरी ग्रेटफुल छ महीने मुझे काम नहीं मिला बिकॉज आई कुड एक्सप्लोर समथिंग अदरवाइज में एक कुएं का मेंडअप होता ना वो बन के रह गई थी कहते हैं ना कि कई बार द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ योर लाइफ कम इन अगली पैकेजिंग ओ माई गोवर इट वो अगली

6 आठ महीने बर्बाद नहीं हुए होते तो शायद मुझे पता ही नहीं होता कि लाइफ में कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए कितना कुछ है सीखने के लिए uh, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ह्यूमन बॉडी हाउ दैट फंक्शंस अगर आप वही समझ लोगे तो आपकी लाइफ काफी आसान हो जाती है सिंग so एक्जेक्टली exactly अगर आप शॉर्ट में समझा सकें इनर चाइल्ड थेरेपीिंग साइक्ली है क्या ये वेयर इट वर्क्स आई एम 37 इयर्स ओल्ड और मैं अभी थर्टी सेवन में तो पैदा नहीं हुई राइट आई वॉज ओल्ड इन मदर्स राइट फिर आप एक साल के होते हो दो साल के होते हो सो ऑल दोज दो मेकअप टू बी हु यू आर टूडे वो सारे आपकी जो पर्सनैलिटीज होती हैं उनको कंबाइन करोगे तो आज की प्रेजेंट डे पर्सनैलिटी निकलती है चो. लेकिन क्या होता है कि आ, आपका माइंड आपको कोप कराता है आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज आते हैं कोई ट्रॉमा होता है किसी टाइप का अब्यूज़ होता है तो आपका माइंड बोलता है कि अभी इसको साइड में रख दो क्योंकि आपके आसपास के लोग भी बोलते हैं बी स्ट्रॉग तो वो वाली जो पर्सनालिटी होती है वो दब के रह जाती है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो बट एज यू ग्रो ओल्डर यू रियलाइज कि देर आर सर्टन पैटर्न इन योर लाइफ जो आपको बार बार आपके सामने आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आता है क्यों आ रहे हैं मतलब मैंने सारी कोशिश कर ली लेकिन ये चीज सॉल्व ही नहीं हो रही फॉर एग्जाम्पल पीपल कम टू मी आई ऑलवेज फॉल फॉर द रोंग मैन यू नो सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है सो so पॉसिबली एक ऐसा बच्चा आपके अंदर का जो शायद दो साल का होगा या बीस साल का होगा यू नीड टू एड्रेस दैट चाइल्ड सो वॉट वी डू इज वी डील विद द सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ योर माइंड जहां पे ये सारी सप्रेस्ड मेमोरीज होती हैं इस लाइक like अगर आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया है ठीक है और आप डॉक्टर के पास नहीं गए हो आपने उसे एक्नॉलेज नहीं किया तो आपकी टांग जुड़ तो जाएगी लेकिन आप वैसे वॉक नहीं कर पाओगे जैसे यूर मिनट टू वॉक राइट राइट सो यू नीड टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम एंड जब आप एक्नॉलेज करते हो अंडरस्टैंडिंग आ ही जाती है फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरी माँ के साथ ये इशू है राइट right? बट जब आप मेमोरी में वापस जाते हो

क्या जनरली प्रॉब्लम्स निकल कर के आती हैं अगर इफ़ यू कैन शेयर फाइव फोर फाइव प्रॉब्लम्स जो चाइल्ड रिलेटेड होती हैं जैसे एक कॉमन uh, अब्यूज़ होता है कईयों के oh, साथ जी, में जी कई बार पेरेंट्स uh, अब्यूजिव होते हैं कई बार पेरेंट्स एंशियस होते हैं तो और क्या क्या ट्रिगर्स ले लेता है बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल कम विद मी विद द फ्यर ऑफ फेलियर कि uh, यार मैं लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ पैसे भी अच्छे कमा रहा हूँ लेकिन वो डर नहीं जा रहा है कि मैं बस अब फेल हो जाऊंगा सो दैट इज़ वन फियर इज़ वन सेकेंड इज लॉट ऑफ चिल्ड्रन दे सी अपने पेरेंट्स को फाइट करते हुए यू नो सो दैट हेल्पलेसनेस एक बच्चा क्या ही कर सकता है दैट फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस कि मैं अपनी रिलेशनशिप को नहीं संभाल पा रही हूं, I feel helpless. तो ये बड़े होकर के लाइफ में हेल्पलेसनेस रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बच्चा कहां से ट्रिगर हो जाएगा बच्चा बच्चा एक कैसे रिएक्ट करता है बच्चा तबाही मचाएगा right. अगर बच्चे को आप सुनोगे नहीं उसको कंट्रोल नहीं करोगे उसको समझोगे नहीं ऐसा होता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ अब्यूज हुआ एंड एज ये मेरा काम नहीं है उनको बताना कि तुम, तुम हो, okay. साथ अब हो तुम्हारे साथ्यूज हुआ जस्ट गिपेक्टिव आप उन्हें उस मेमोरी में वापस लेके जाते हो कि ये हुआ था तुम्हारे साथ करेक्ट okay. ये आप ही ने इन्फॉर्मेशन दी है मुझे आपको क्या लगता है वॉट हैपन टू यू एंड देन रियलाइज ओम गॉड आई वॉज अब्यूज and that's why possibly I do not have that sexual intimacy with my partner. वो जो child unhealed रह जाता है, उसमें parenting का कितना role आप देखते हो? What is the role of parenting in that? You know Yogendra, I always feel कि अगर दुनिया में सबसे मुश्किल कोई काम है, वो है parenting. Right. No matter आप कुछ भी कर लो, कहीं न कहीं वो बच्चा traumatized होगा, कहीं न कहीं वो बच्चा scar होगा. So you can only do your best. So आई जस्ट फील कि पेरेंट्स ऑफकोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि आपका माइंड उसमें आपका जो बिलीफ सिस्टम फॉर्म होता है वो जीरो टू एट ईयर्स में होता है एट दैट एज आप अपने पेरेंट्स के केयर के अंडर होते हो सो हाउ दे बिहेव व्हाट दे रिफ्लेक्ट व्हाट देयर बिलीव्स आर वो बच्चे पे बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं एंड एक आठ साल बच्चे के बच्चे को अगर आप बोलोगे कि हम गरीब हैं तो बच्चा आगे जाके भी यही बिलीव करेगा कि हाँ हम तो गरीब हैं चाहे आसपास नोटों की बरसात हो रही हो पर होड़ वो बच्चा होर्ड करेगा वो स्पेंड करने में उसको वो जॉय नहीं मिलेगी उसे वो एंग्जाइटी मिलेगी राइट सो दीज आर द थिंग्स एट पेरेंट्स नोइंगली एंड अन डूइंग विद देयर किड्स एंड आई टेल दिस टू एवरी पेरेंट दर आई कम अक्रॉस कि प्लीज ये सारे कोर्सेस कर लो

बच्चे का सबसे बड़ा फियर यही होता है कि वो अलग हो जाएंगे फिर मेरा क्या होगा तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है फाइट एंड फ्लाइट में आ जाता है या फ्रीज हो जाता है लेकिन हम समझ ही नहीं पाते ट्रू सो आई थिंक द फर्स्ट टिप ऑल्दो आई एम नॉट अ पेरेंट आई हैव अ डॉग हम अपने डॉग के सामने भी नहीं लड़ते बिकॉज आई सी द इम्पैक्ट इट हैज ऑन अ फोर लेगेड क्रीचर जिसकी रीजनिंग एबिलिटी वो नहीं है जो एक ह्यूमन माइंड की होती है तो इमेजिन इफ यू आर कि आपकी जो इश्यूज़ हैं, आप उन्हें कम्युनिकेट करके सॉल्व करिए इंस्टेड ऑफ फाइटिंग और बच्चे के सामने तो ना ही करिए तो बेहतर आपकी इस पढ़ाई के दौरान डी यू एवर स्टडी नार्सिसिज्म कई नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं और उनकी पेरेंटिंग बच्चों के ऊपर बहुत अब्यूसिव हो जाती है फिर बाद में जाकर के इवन इन फ्यूचर उनके रिलेशनशिप्स में उनकी बॉन्डिंग स्टाइल अटैचमेंट स्टाइल सब जगह so you know, का uh, एक बहुत बड़ा प्रोटोटाइप जो है is, ये मेरे दिमाग में रह गया फैमिली आई नो वो पहचाना नहीं वो मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया क्योंकि ये सारी पढ़ाइयाँ की नहीं थी

हाउ यू डील विद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता नहीं मतलब आपको नहीं पता होगा कि एक आप नार्सिसिस्ट के पाथ में जा रहे हैं एंड दिस इज वे थेरेपी कम्स इन प्ले वेर यू आर मेड टू एटलीस्ट एक्नोलेज कि ओ oh, ये जो मैं कर रहा हूँ सिंपल सी चीज फॉर एग्जाम्पल आपने हमारे इंडियन कल्चर में ये देखा होगा पति पत्नी साथ नहीं चलते पति हमेशा आगे चलता है दैट्स अ वेरी स्ट्रोंग आइडेंटिफिकेशन

ज ही आगे की स्टेप है okay. पहले उसे ही करना बहुत जरूरी है सो देर कैन बी इशूज इन योर इंटीमेसी देर कैन बी इश्यूज इन योर कम्युनिकेशन देर कैन बी इश्यूज इन योर फाइनेंशियल लाइफ यू नो एंड दे ऑलवेज से कि शादी तीन फैक्टर्स से टूटती है ओके नंबर थ्री इज सेक्स नंबर टू इज फाइनेंस एंड नंबर वन इज कम्युनिकेशन इट right. और हम कम्युनिकेशन को कोई इज्जत ही नहीं देते सामने वाला लड़ रहा होता है हम वेट कर रहे होते ही, चुप होएगा तो मैं अपना जवाब दो सुनो तो सही क्या बोल रहा है एंड वी डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आई स्टेटमेंट्स तूने ऐसा किया तू ऐसी है, तू। पूरा नैरेटिव ही चेंज हो जाता है Right. लेकिन हम वो एफर्ट ही नहीं डालते तो क्यों क्यों क्योंकि बच्चे ने शायद ये सीखा है कि हाँ बीवी के साथ ऐसी तो बात होती है क्योंकि हो सकता है कि उसकी मदर के साथ बाप ने ऐसी ही बात की हो या फिर उसने ये सीखा है कि जब तक चिल्लाओगी नहीं आपको कोई सुनेगा नहीं और जहां पे आपने आवाज रेस की दूसरा बंदा अपने आप को सुनाने के लिए आवाज रेस करेगा तो कम्युनिकेशन गई पानी में

जब वो मौका मिलेगा आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि वो बहुत ब्यूटिफुल होगा बिकॉज आप सिर्फ लाइनें नहीं पढ़ोगे आप समझोगे कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है right. आप एक बैक स्टोरी अपने दिमाग में खुद फॉर्म कर पाओगे थैंक्स टू ऑल माई क्लाइंट्स आई एल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि शायद वो प्रॉब्लम मेरे साथ रियल लाइफ में कभी नहीं हुई है शायद मैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ उस कैरेक्टर से बट बिकॉज आई हैड अ सर्टन क्लाइंट हु हैड द सेम प्रॉब्लम आई बी एबल टू कनेक्ट Human होते हैं। right. या तो आप मोहब्बत में होते हो या तो आप गुस्से में होते हो या तो आप हेल्पलेस फील कर रहे होते हो पर इट ऑल लेस डाउन टू दीज फाइव इमोशन सो आई थिंक एक तो आप चीजें खुद के एक्सपीरियंस से जान सकते हैं दूसरा लोगों के अनुभव से जान सकते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और मैं तो हमेशा बोलती हूँ आप खुद कितनी मिस्टेक्स कर लोगे यू नो यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स अरे बस करो दूसरे की मिस्टेक्स से सीख लो <laughs> जिंदगी बहुत छोटी है लिमिटेड टाइम है लिमिटेड एनर्जी है तो हाँ, खुद के एक्सपीरियंस से आसपास के लोग बहुत मिस्टेक्स लोगे? कर रहे हैं उनसे सीख लो खुद करने की जरूरत नहीं है

आई शुड एक्सप्लोर दिस वाई नॉट एंड हाउ मेनी पीपल इन योर फैमिली कैन यू थिंक ऑफ जो आराम से बैठ के आपकी बात सुनेडवाज द्वालिटी ना दैट वी डू असैसमेंट ऑफ वेदर यू हैचिंग सो देर आर फ्यू एलिमेंट्स अगर आपने कोच बनने का सीड है तो नंबर वन एलिमेंट इज एम्पथी राइट एंड नॉटी हाँ

ऑलवेज देर इज अ वाई क्वेश्चन वाई दिस हैपन्स ये क्यों होता है ये क्यों होता है ये क्यों होता है बिकॉज ऑफ द कीसिटी क्यूसिटी इज़ द मदर ऑफ लिसनिंग कि आपकी लिसनिंग एबिलिटी ही इसलिए स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज यू आर क्यूरियस टू नो यू आर नॉट देर टू जज एनी थिंग बट यू आर एक्चुअली क्यूरियस थर्ड थिंग इज़ इंटिवनेस इंटटिवनेस हीयर मीन्स नेचुरल बिस्टर्ब बट आपने जब बचपन से आप लोगों को गाइड कर रहे हो और लोग आपके पास में आते हैं तो यानी कि आपने कोई कोर्स नहीं किया फिर भी यू आर नेचुरली सम हाउ एबल टू गाइड दैम देर इज अ नेचुरल विजडम इन साइड यू दैट इज कॉल्ड इंटिवनेस तो ये तीन ऐसी चीजें हैं और चौथी चीज़ हालांकि इंटिवनेस में आती है दैट नॉन जजमेंटल लिसनिंग नेचुरली यू आर अ नॉन जजमेंटल लिसनर आप कोई अजनबी व्यक्ति भी आपके पास में बैठा है आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है आपका जो लुक है आपकी जो टोन है

Uh, reflect on the non-verbal communication that is being put across and that's the first thing that we are taught yes as therapists that you cannot be judgmental you cannot be sympathetic don't get involved in the other person's story <laughs> be empathetic and have your boundaries right. why are you not listening to me but then आप उन्हें डिपेंडेंट करने के लिए नहीं बैठे हो आप उन्हें एम्पावर करने के लिए बैठे हो बहुत डिफरेंस है। अगर मैं उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रही हूँ तो आई एम फेलिंग एज अ मी बट माई इंस्ट्रक्टर वु वी आर माइंड डिटेक्टिव द क्वेश्चन वाई हाउ वेन वॉट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ केस where, um, I don't know why I'm just saying this, but I'm going to say it. 45-year-old lady, uh, she had undergone abuse from one of the friends of the father. Okay. okay? And they came in together. Okay. I said, would you want to speak to your father? And she was like, yes, I want to tell him. And uh, he said, you know, your friend, He touched me inappropriately. Immediately he picked up a book and said, like, "Hmm, hota hai hota hai, strong bano." I don't know why I'm saying this out of context, but I'm just saying that it's very important to know कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब आपने ये तीन फैक्टर्स को सुनने और समझने की क्षमता है, only then you can take that step forward to help people. Otherwise you can't. You have to be a detective when you're working as a therapist. Right. Agar wo what when how why wo banda khud hi samajh lega use phir therapy ki therapy. Because hai. Kyunki usne acknowledge kar liya na. Pehli cheez to acknowledgement not Hum acknowledge hi nahi karte. Wo ladki bol rahi hai ki mere saath aisa hua but the father was so uncomfortable that he immediately opened the book in order to read and without passing that judgment on the father we need to understand why that reaction came up. So no judgment was passed on the father, and no judgment was passed on the lady. So जो ये आपने अभी बात की तो mental health के around इतना सारा so stigma रहता है लोग अगर किसी mental issue से गुजरते हैं तो they don't like coming to somebody and share उसके बारे में आप क्या सोचते हो जो अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा है people don't like to share. I think looking like to that now things are becoming better. When I started therapy um,

थेरेपी क्योंकि हम में से कोई इमनेटली हैप्पी नहीं है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ना, कुछ, ना, कुछ, ना, कुछ चल रहा है एंड इफ दैट इज कॉजिंग एनी का इम्बेलेंस इन योर बॉडी प्लीज रीच आउट यू नो दे आर फ्री थेरेपी सेशन अवेलेबल लोग बोलते हैं थेरेपी तो बहुत महंगे होते हैं हमारे पास पैसे नहीं है हमारा इशू ही है फाइनेंशियल इशू <laughs> पैसे नहीं है वही तो इशू है मैं आके तुम्हें पांच हजार रुपए दूँ नो आई वर्क एन ए चैरिटेबल क्लिनिक We work at a nominal cost where we take just basic conveyance from right. the client. It's important to reach out. I I work with a foundation as a face of their foundation where we give free uh, online and telephonic counselling. Okay. It's important that we do that. Only then we'll be empowered. Only then we'll know acha do Mental health pay if your inner child is not healed. क्या क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज आपने देखे हैं इमोशन एनर्जी फिजिकल बॉडी और ये ऊपर भी जो ट्रेन वहां से नीचे आ रही है वही ट्रेन ऊपर भी जा रही है मेट्रो रेल सो अगर आपकी फिजिकल बॉडी में कोई इशू है फॉर एग्जाम्पल लेट्स आपकी फैमिली में कैंसर है

सिंपल सोल्यूशन है ये दबाओ <laughs> लेकिन हम सिंप्लिस में विश्वास ही नहीं रखते इतनी आसानी से थोड़ा ना हो जाएगी ये तो मुझे दस साल से प्रॉब्लम है गैस की अरे कर की तो देखो क्यों नहीं कर रहे लोग है? अपनी को करके रहते और इंद्र yes. मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है

जैसे ब्लड टेस्ट इज अ फिजिकल प्रूफ एज टू वट्स हैपनिंग इन योर बॉडी थॉट्स का फिजिकल प्रूफ मैं कहां से ला के दूँ आपको तो जब तक हमें वो फिजिकल प्रूफ हमारे लॉजिकल माइंड के साथ कनेक्ट नहीं होगा हम वो विश्वास ही नहीं करते आई हैव सीन केसेस वेर वी हैव हैड पीपल कम इन विद रिमोटोइड आर्थराइटिस ऑन अ व्हील एंड सम सेशन डाउन द लाइन एंड आई एम नॉट से एक दो सेशन में फ्यू फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी हंड्रेड सेशन के बाद आई सीन दैट वूमन वॉक इट इज पॉसिबल इफ यू पुट योर माइंड टू इट योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर बिगेस्ट एनिमी एंड योर बिलीव सिस्टम डिसाइड्स दैट योर कंडीशनिंग डिसाइड्स दैट हो यू आर एज अ पर्सन टूडे डिसाइड्स दैट पीपल इन दैमिली मम्मी को कैंसर है पापा को कैंसर था मेरी दादी को कैंसर था अब मुझे तो नहीं हो जाएगा ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड एंड यू आर मैनिफेस्टिंग इट एंड फिर इवेंचुअली कैंसर हो जाता है right. तो अगर आपकी माइंड की वो क्षमता है टू मैनिफेस्ट अ बंगलो और अ कैंसर देन आपकी माइंड की वो क्षमता में आप विश्वास क्यों नहीं रखते कि इट कैन ऑल्सो क्योर हम द सीक्रेट की बातें करते हैं हम एफमेशन लिखते हैं क्यों क्योंकि हम वो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो क्षमता है ना करने की तो बॉडी को हील करने की क्षमता क्यों नहीं है क्योंकि फिजिकल प्रूफ नहीं दिख रहा ना हमें डे टू डे बट आप करके देखिए आप ऑरा स्कैन करिए स्कैन में आपको छः महीने पहले पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या होने वाला है बिकॉज आपकी थॉट से शुरुआत हो रही है फिजिकल बॉडी आपका लास्ट स्टेज है आपकी और स्कैन में दिख जाएगा आई नो ऑफ अ पर्सन हु हुडिंग थेरेपी एंड शी वेंट इन फॉर एन ओरा स्कैन बिकॉज उस टाइम पे आप और के बारे में पढ़ रहे होते हो एनर्जी फील्ड के बारे में पढ़ रहे होते हो So aura cameras are available where your entire aura can be seen and there were some dark spots behind her uh, back and she went in for a sonography and there was nothing four months down the line kidney stones okay so it's that powerful your handwriting it tells your subconscious story it happened with me recently up? That Kya tha? we were holding a symposium for regression therapy. And I was hosting it. And there was a very renowned gentleman who had come in, uh, Mr. Milind Rajvore, he's a renowned, renowned handwriting expert, analyst. And uh mainne, because I was the host, I took that privilege and analyzed. And he's like, Aapke stomach. Mein hai? This was on the 16th of this month. And I said, Nain. He said, Hey. Good night.

सो यू हैव टू टली बी एट इट जो आप सुबह उठ के नौ से पांच की नौकरी पे जाते हैं लोग ब्रीफ केस उठा के आप क्यों? एक फिजिकल इंसेंटिव है पैसा उससे मेरा घर चलेगा तो वो ड्यूटी आप अगर अपने माइंड की तरफ भी ले लो तो वो आपको इंसेंटिव दिखेगा लेकिन क्योंकि हम पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर पाते इसलिए डॉक्टर्स के पास जाना भी बहुत जरूरी है आई एम नॉट सेइंग अगर तुम्हें कल फ्रैक्चर हो जाए तो प्लीज हमारे पास आओ हम कुछ नहीं कर पाएंगे पहले, pain, हम भी बोलेंगे अगर कोई आ भी जाता है ना गलती से भाई पहले वहां जाए ये मत सोचने को बैठ के मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ सो इफ वी हैव द मेडिकल प्रैक्टिस एंड हैव Proven their ability. Now therapy is also coming up in a big way. Yeah, right. People are coming in because they can see that physical shift within their system and outside their system. I think both of holistic approach. Lena, hai because Absolutely. many times people take one spectrum. One side, no, holistic. Some people log are fundamentalist, who only medicine will medicine. I think a holistic approach is needed. इनफैक्ट इन एन एल पी वी टीच टू काइंड ऑफ पेन आर देयर वन इज़ प्राइमरी पेन जैसे आपने फ्रैक्चर की बात करी तो दैट इज़ द प्राइमरी पेन जो फिजिकल है विजिबल है दिख सकता है ये पेन है एक तो फिर दूसरा होता सेकेंडरी पेन जो उस पेन के बारे में आप मेंटल पेन क्रिएट करोगे कि मेरे साथ क्यों हुआ मैंने ऐसा क्या किया था दिस इज़ नॉट फेयर मैं तो पूजा पाठ भी करता हूँ भगवान में भी मानता हूँ व्रत भी किए थे मैंने तो मैंने क्या किसी का कुछ बिगाड़ा मैं तो अच्छा व्यक्ति भी हूँ तो ये जो आप सेकेंडरी uh, पेन कर रहे हैं मतलब कि यू आर टेकिंग द पेन एंड देन यू आर एग्रिवेटिंग इट इन योर माइंड एंड देन यू आर सफरिंग दैट सो एक्चुअल पेन यू आर नॉट सफरिंग यू आर सफरिंग द मेटा थाट्स दैट यू हैव क्रिएटेड तो कई बार इवन इन एंगजाइटी केसेस थोड़ा सा हार्ट बर्न हुआ किसी को और माइंड में सोचते मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा करेक्ट अब वो जो हार्ट का हल्का सा बर्न है वो उसे थोड़ी सफर कर रहा है वो किससे सफर कर रहा है मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा मैं मर तो नहीं जाऊंगा ये तो नहीं हो जाएगा मुझे उसको भी दोस्त को आया था आजकल तो सबको आता है तो अब वो जाकर के क्या करेगा वो गूगल सर्च करेगा गूगल उसे और गूगल तो हर चीज़ कैंसर में दिखा देता है एवरी थिंग तो वहाँ पे दिखा देगा तो वो अब यही चीज इसकी एक हार्ट के अराउंड एक बर्निंग सेंसेशन था That will will convert convert into into anxiety and someday it it panic brain. attacks. Yeah. This is how it works. Simple It's called EFT. I'm sure हाँ, audience So हमारे, आ, पुराने टीवीज़ होते थे राइट right? तो कभी कभार चलते चलते एकदम स्टैटिक में जाते थे तो हम क्या करते थे टीवी को ऐसे मारते थे और पिक्चर वापस आ जाती थी आपके इमोशंस भी वैसे ही काम करते हैं आपकी बॉडी भी वैसे ही काम करती है yes. हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी मेरिडियंस हैं। राइट हम चक्रास के बारे में बात करते हैं yeah. हम कराटे जब करते हैं तो हमने देखा है फिल्मों में ब्रूसली ऐसे मारता है यही से क्यों मारता है तर से क्यों नहीं मारता ऐसे क्यों नहीं मारता यही बहुत पॉपुलर है बिकॉज दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैरिडियन ज कि मुझे हार्ट बर्न हो रहा है हार्ट बर्न की वजह से मुझे एंगजाइटी हो रही है एंगजाइटी की वजह से मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चे का एक पूरी स्टोरी खुलती है राइट एंड मैन यू टैपिंग ऑन दिस यू आर एक्चुअली करेक्टिंग एंड एन यू वंस यू डू देट आपने तीन बार ये पूरा वो किया द प्रोपर मेथड टू इट हम अपनी क्लासेज में सिखाते हैं It's called emotion freedom technique. Yes, uh, Doctor Clay or somebody—I'm forgetting the name of the gentleman who had come up with this technique. Who have three and then seven deep breaths. In the rat race, we've forgotten to breathe. Right. We don't breathe. And when we don't breathe, what are you You're energy. Energy is supposed to flow. So when the flow of energy is not happening.

करेक्ट योर इमोशंस राइट देर एंड देन आप करके देखिए सो यू सिट डाउन विध बोथ योर फीट ऑन द फ्लोर ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है ये मैंने अभी शूज पहने हुए प्रेफरेबली अगर आपके घर के सामने पार्क है या कोई जगह है जहाँ पे मिट्टी है या ग्रास है वहां बैठिए पैर आपके टच हो रहे हैं नीचे ठीक है ठीक है आप ऐसे बैठे हैं विदाउट क्रॉसिंग एंड देन हियर ओके एक्चुअली ओके ठीक है लेकिन मैं यहाँ पे अभी सिर्फ एक पॉइंट करके बता रही हूँ आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड बिकॉज लाइक लेट्स से आई हैव आई गॉट रिजेक्टेड इन दिन ओके ऑडिशन आई फील लाइक अ फेलियर एंड आई फील लाइक अ फेलियर आई फील दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड

जो उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है फॉर एग्जाम्पल आई वॉज स्पीकिंग टू माई लवली मैनेजर एंड शी यू नो आई एम कन्फ्यूज ये एक्सप्लोर करूँ या मैं ये एक्सप्लोर करू वॉट इज कंफ्यूजन मेकिंग यू फील यू नो वैन वी आस्क आर क्लाइंट्स के ओके हाउ आर यू फीलिंग आई फील दैट दैट पर्सन शुड नो हाउ आर यू फीलिंग तो वही तो बता रही हो आई फील दैट दैट पर्सन नो When that person is not doing according to what you want that person to do, how are you feeling? Oh, I am feeling angry. That's the emotion. That's what we need to tap onto. But we do not understanding our emotions. I feel that I will get very late. That's not a feeling. That's a thought. Right. Thought or emotion? they're a difference. Hai. Right. Connected? here. But difference. Hai. So you need to tap onto the. इमोशन यू नीड टू टाप ऑन टू द फीलिंग एंड नॉट द थाट्स एंड जैसे हम करते हैं ना हम रेट uh, करते हैं कि लेट्स एफ वन टू टेन आपका एक स्केल है उसमें लेट्स इफ आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड एट वॉट रेंज योर फीलिंग सो आई लेट्स आई एम फीलिंग स्ट्रेस एट द अउंट ऑफ एट ठीक है आप ये करके देखिए हो सकता है बड़े हो सक बट मोस्टली कम होता है बिकॉज जहाँ आपने ब्रीदिंग कर ली आप अपने इमोशंस को Which emotions trapped in your Which are not working for you? You're releasing it. Right. There's a flow of energy that's happening. Yeah, in fact, uh, whenever we are stressed, uh, our uh, sympathetic nervous system is active. That is N, as we call it, automatic nervous system. So it's not in your control. But once we breathe, it shifts to parasympathetic, parasympathetic which is more relaxing, and you gain control as well. Absolutely. अगर कोई इंसान गुस्से में होता है आप उसे देखिए वैसे होता है सब रोक लिया सब ट्रैप कर लिया एंड ऑफ बींगीज इमोशंस योर बॉडी कई लोग जो भाई बिहेवियर बहुत एंग्री होते हैं तो चाइल्डहुड का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हील नहीं है जिसकी वजह से ये एंगर आ जाता है एंगर कैन कम इन एनी फॉर्म सिंपल थिंग I am the older child. My parents have given, uh, I mean, my mother has given birth to another sister or brother. And now I am being ignored. I am angry. Parents, you can do things on your own. But no, a child doesn't understand that. Or a teacher has told you to get out of class. Why? Because you were sitting and having khana on the back bench. I feel humiliated.

So what is, what is is the the child feeling? Oh, I'm not wanted. How do I I feel feel about that? I feel angry. Then in the picture and is angry with the grandparents all the time. अरे <laughs> क्यों एंग्री हो पता ही नहीं किसी को क्योंकि आपने जब वो पांच महीने का था अंदर उसकी कॉग्नेटिव एबिलिटीज बन रही थी आपने बोलता कि लड़का ही आना चाहिए तो एंगर तो, तो कहीं से भी शुरू हो सकता है <laughs> एंगर आपकी पास लाइफ से शुरू हो सकता है How do you handle stress? Aap करने के लिए राइट right? बैठी वेट कर रही हूँ यहाँ ऑडिशन दिया है वहाँ ऑडिशन दिया है कोई नहीं आ रहा. क्यों नहीं देगा तुझे काम आई थिंक आई एम वेरी आई लुक ओल्ड नाउट लुक ओल्ड <laughs> तू तो मुझसे प्यार करता है ना तू तो ये सो आई एम स्ट्रेस्ड सो वो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है आप अपने दिमाग में चीजें बनाते जा रहे हो कि अब मुझे काम नहीं मिलेगा अब मुझे काम नहीं मिलेगा तो अब मेरा घर कैसे चलेगा मेरा फेम गया मुझे लोग बुलाएंगे नहीं लोग मुझे अवार्ड नहीं देंगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा जा रहा रहा है है एंड देन आई डिस्कवर्ड समथिंग नोन एज मेंटल बैंकिंग एंड मेंटल बैंकिंग इज एंड दैट पॉइंट टाइम आई आई बिकॉज एंडेड नॉट अर्निंग एनी मनी ओके तो मैं कहा यार पैसा नहीं आ रहा क्या करूं

मैंने पचास हजार रुपए कमाया है आज मैंने बैठ के तेल लगाया अपने बालों में <laughs> जो मैंने पिछले <laughs> दो महीने में उसके मैंने अपने आप को पैसे दिए एंड आई एम वर्दी सिंपल आई एम गुड इनफ दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट पीपल कम अपील नॉट गुड इनफ वोल्ड यू दैट नो वन गो बैक इन टाइम शट यूर राइज Go back in time. low post time when they were two, one. Simple, away. Not good enough. So you started doing mental banking.: I said, Are you doing still that. doing it? Uh, one and, go, and a half years now?: One and Every a half day. years Every day. So in mental banking, uh, they start trading as well. They do jackpots as well. Yes, I so do that. This is going that? to be my jackpot event. This is my <laughs> first mo podcast on mental health.

To go back in front of the camera and act and act my heart out, but I know it for a fact that I can do Thanks to technology. Right. When we are doing energy work, I would want the client to be present in my same physical space. But if I'm doing cognitive counseling, I can do it online. All I need is my phone. कितने घंटे का सेशन होता है डेढ़ घंटा डेढ़ घंटे के बाद आपका कोअगनेटिव एबिलिटी खत्म हो जाती है आप जितना प्रोसेस कर सकते हो वो डेढ़ घंटे के लिए ही कर सकते हो उसके बाद मैं कुछ भी बोलूँ इट्स ऑल मम्बो जम्बो तो डेढ़ घंटा निकालना है राइट मुश्किल है जल्दी उठ जाऊंगी ब्रेक होता है हमारा एक घंटे का उसमें कर लूंगी तो right. मेरा प्लान रहती है पर आई नो इट फॉर अ फैक्ट दैट आई फाउंड अ स्किल सेट दैट्स गोइंग टू सर्व मी एंड माय लाइफ पर्पस टिल माय लास्ट ब्रेथ

And we were discovering our power animals. And through the help of power animals, we went into life purpose. Okay. Okay. And uh, so my life purpose turned out to be that I need to work with children. And I, I asked my instructor, I said, I don't really connect to children as much as I connect to animals. And she said something very pertinent. She said, if you don't connect to children how are you connected to your inner children and your clients inner children because you are dealing with children and i say bloody hell i found my life purpose because i am dealing with children right right so if you come to me as a client i am not dealing with the present day personality what happens is a byproduct for the present day personality but i am actually dealing with your inner children acting part as far as the acting part is concerned so in how this purpose contribute in that part or this I what purpose am, serves by acting. See, I also need to satiate my heart and my desires, right? I am human being eventually. I'm going to continue working as a therapist. I'm going to continue working with inner children. I'm not giving up on that. But I don't want to give up on a part of my personality who has dreamt of always being in front of the camera and displaying that craft of being a blood I'm a Fadoo actor. <laughs> I am. Right. That I'm a chameleon. I can transform or become any character. That you ask me to. What is your favorite character? What I did a small part in Sarabhai vs. Sarabhai of a clairvoyant. I played Maya's uh, daughter. And uh, her name was Sonia. And she was completely cuckoo. So although it was a small part, why it is favorite for me is because on that set, I learned from the best. I had a Satisha.

सो दैट न रेटिंग आई रिमेंबर हम लोग मिले थे पहली बार जब हम मिले थे ये एट कॉल मी फॉर अ नरेशन फॉर अ शो दैट देर डूइंग वो अनफॉर्चुनेटली वो शो का भी बना नहीं हमने पायलट वायलट बनाया था एंड uh, मैं गई हूँ मुझे लगा वैसे ही देंगे जैसे एक पेज का ब्रीफ दे देते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट दे लाइक द प्रोड्यूसर वॉन्ट्स टू मीट यू मैंने कहा क्रिएटिव नहीं मिल रहे नहीं नहीं प्रोड्यूसर वॉन्ट्स टू मीट यू प्रोड्यूसर के बाद टाइम है 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 मतलब ठीक चलो मिलते हैं आपका पहला पहला स्केप्टिसिज्म में जाता आ, है, ही जाता लगता मेरा कि इनके पास बड़ा टाइम है <laughs> मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया ना तो ले लो ऑडिशन अभी क्या एंड आई वेंट इन लाइक वेरी रिस्पेक्टफुल गाने वाने गा के सुनाए उन्होंने <laughs> कि यहाँ पे ये गाना होगा ला 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 अरे भाई साहब एंड लाइक सर आपको तो अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करनी चाहिए ही <laughs> वाज सो गुड डेढ़ घंटे की नरेशन दी है एंड उसके बाद ही लाइक चलो अभी एक टेस्ट कर लेते हैं ये तो हमें पता है आप कर रहे हो पर हमें टेस्ट कर लेते हैं right. और मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि नरेशन इतना फेबुलस था

आपके लिए इनर पीस क्या है बीइंग विद एनिमल्स कोई स्पेसिफिक एनिमल नहीं any... सारे एनिमल्स फ्रॉम स्पाइडर टू डॉग्स एंड कैट्स अगर आप अपने इनर चाइल्ड से एक सिली क्वेश्चन पूछ सकते तो क्या होता बच्चों के लिए कोई भी चीज सिली होती है फॉर देम एवरीथिंग इज वेरी प्रोफाउंड यस सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी सिली क्वेश्चन दैट आई वुड वांट टू इवन आस्क माय इनर चाइल्ड अगर आपके पास मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई सुपर पावर होती तो क्या होती टू रीड पीपल्स माइंड्स इन में से क्या ज़्यादा मुश्किल है स्क्रिप्ट याद करना या फिर थेरेपी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ना दोनों बहुत आसान है दोनों आसान. किसी इंसान को जो अपनी इमोशन से कनेक्ट करने में स्ट्रगल कर रहा है आप क्या एडवाइस देंगे पहले तो सांस लेना सीखो इमोशन के बारे में एक मिथ जो आपको लगता है डिबंग करना चाहिए मुझे गुस्सा नहीं आता सबको गुस्सा आता है हमें बस सिखाया जाता है कि गुस्सा मत करो अच्छा नहीं है लोग क्या सोचेंगे गुस्सा सबको आता है एक बचपन की याद जो हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कान ले आती है मेरे पापा टेंगा में अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड थे तो हमारा जो घर था वो एक छोटा सा हट सा था क्योंकि पापा वहाँ पे अकेले रहते थे और हम लोग आते जाते रहते थे हम लोग दिल्ली में रहते थे उस पर तो जो वो घर था एक ऐसे छोटी सी बालकनी थी मतलब दो लोग ही खड़े हो सकते थे और ऐसे बैम्बू से ना वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ था और नीचे अगर आप देखो तो एक रिवर बहती थी टेंगाचू रिवर

बच्चे निकले एक्टिंग ने आपको एक ऐसी चीज सिखाई जो थेरेपी नहीं सिखा सकी और थेरेपी ने एक ऐसी चीज सिखाई जो एक्टिंग नहीं सिखा सकी तो मैंने पेशेंस जो है वो एक्टिंग फील्ड से सीखी जो थेरेपी फील्ड में एंकर कर पाई एंड थेरेपी फील्ड में ये सीखा दर एम गुड इनफ जब मैं एक्टिंग फील्ड में आई होप एंकर कर पाऊंगी Quick getaway के लिए आपको स पसंद है या में बहुत साफ करना पड़ता है. है? है है. के 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 बाद unwind करने के लिए लिए तरीका क्या मैं अपने बच्चे फ्लोकी के साथ फेंकती और वो बॉल ले के है, वो लेके आता मेरे लिए best time होता है। एक ऐसा मूवी या शो जो हमेशा आपका मूड लिफ्ट करता है इंग्लिश या हिंदी में खिचड़ी थिंक दे आपकी लाइफ में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन पा रहे हैं मेरे पापा Lovely.